Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Hello everyone, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर 2021 की. तो यस 2021 की अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो एंटी यूजीसी नेट का, तो उसके अंदर आपको कौन से टॉपिक्स हैं पेपर वन की लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं. डैट मीन्स वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 101% है, तो वो टॉपिक्स आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर रिवील करने वाली हूँ. तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है. अगर आप एंड टाइम पर भी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हो, तो भी आप अगर इन टॉपिक्स को कर जाते हो तो यस आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, विश्वास रखिए. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक्स को. उससे पहले छोटा सा अपडेट अकेडमी की तरफ से आ रहा है, पहले हम उस सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, देन हम आते हैं अपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर. यस, तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए ये मेगा ऑफर. अगर आप अनअकैडमी पर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन विदाउट एनी कॉस्ट आपको फ्री में दिया जा रहा है. ठीक है, तो ये ऑफर जो अवेलेबल है आपके लिए वो 23rd से लेकर 30th ऑफ सितंबर तक अवेलेबल है. तो डेट्स को नोट डाउन कर लो. सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, बिल्कुल बेस्ट टाइम है आपके लिए, बेस्ट वीक है आपके लिए. 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 2 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है आपको. इसी के साथ प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक के फ़ायदा क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लासेस के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के थ्रू, पीडीएफ्स के साथ आपको प्रिपरेशन यहाँ पर करवाते हैं. उसी के साथ लाइव टेस्ट और क्विजेज भी आपके यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं. और अगर हम बात करें आइकॉनिक की, तो ये सारे जो फीचर्स प्लस के हैं वो तो उसमें मिलते ही हैं, लेकिन कुछ प्रो फीचर्स भी मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक पर्सनल कोच स्पेशली आपके लिए, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए, उसके अलावा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल इन द रिटन फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाता है, और SOP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है. तो यस, आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस और आइकॉनिक जो भी चाहें, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड ज़रूर याद रखना, जिससे आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक की फ़ीस में. रेफरल कोड क्या है, SHA FALI NTA, शिफाली NTA. इसका जो लिंक है, सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि लॉजिकल रीजनिंग से आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रैक्टिकल लेवल की बात करें, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें, तो साइलोजिज्म हो गया और आपका एक हो गया स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं. साइलोजिज्म और स्केयर ऑफ ऑपोजिशन के क्वेश्चन तो आपको मिल सकते हैं 101% अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल फॉर्मेट आता भी है पेपर के अंदर तो इन्हीं से रिलेटेड आता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं आता है. बट अगर हम बात करें थ्योरेटिकल की, तो मेन जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल लेवल्स के अंदर आ जाता है वो आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग से इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट डिडक्टिव से रिलेटेड, इंडक्टिव से रिलेटेड, उनके जो है कंक्लूजन फॉलो होता है या नहीं होता. और डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर भी वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करके जाना है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. मैंने यहाँ पर उसे अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट को ज़रूर लेकर चलना है आपको. फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ फैलेसी, ये आ गया हमारा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू. ठीक है, इंडियन लॉजिक के थ्रू टाइप्स ऑफ फैलेसीज, हेतुवाभास के जो भी टाइप हैं वो आपको सारे के सारे अच्छे से पढ़ के जाने हैं, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. उसके अलावा परमानंस की, 6 परमानंस होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉजिक हैं, कौन सा स्कूल ऑफ लॉजिक किस परमाना को परमानंस को एक्सेप्ट करता है, किसको रिजेक्ट करता है, वो सब आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है. ठीक है, ओके, काइंड्स ऑफ अनुमानस, अब अनुमानस के भी टाइप होते हैं, अनुमान के भी टाइप होते हैं, वो भी आपको करके जाने हैं, उसके ऊपर भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं. नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग नहीं आएगा डायरेक्टली यहाँ पर, नॉलेज ऑफ एक्चुअली वेन डायग्राम्स. अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिकल पार्ट की बात कर रहे थे कि साइलोजिस्ट आ सकता है, तो वेन डायग्राम्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की जगह वेन डायग्राम्स यहाँ पर आएगा. वेन डायग्राम्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या होता है, उसके
टीचर्स क्या हैं, ठीक है, किसने शुरू किया, ये सब कुछ जो है वो आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड थ्योरी भी आपके पेपर के अंदर आ जाती है। तो इतने से टॉपिक्स है जिसको आपको करके जाना है। बट हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग में ये फंडा ज़रूर है कि आप जिस टॉपिक को कर रहे हो उसे आपको डीप कंसेप्ट वाइज करना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो आप पेपर के अंदर उसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि डीप कंसेप्चुअल वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ओके, उसके अलावा कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग्स, अब देखो कॉनोटेशन और डिनोटेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग के अंदर क्या जो है इसके अंदर इंस्टिंक्ट वैल्यू होती है इसकी, और डिनोटेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग और समथिंग, उस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन ही इसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट आपको मिलते रहें। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।